कोई क्षेत्र हो, खान पान से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक हल्दी का प्रयोग होता है। हल्दी को मसाले के तौर पर रसोई घर में प्रयोग किया जाता है और वहीं दूसरी ओर यह एक औषधि और धार्मिक सामग्री भी है जो ना जाने कितनी ही तरह से मनुष्य को फायदा पहुंचाती है। ज्योतिष की बात करें तो हल्दी के कई प्रयोग हैं। जानकारों की माने तो हल्दी की सहायता से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हम आपको हल्दी से जुड़ा एक ऐसा छोटा सा और आसान सा उपाय बताएंगे जो किसी के भी करने से आपको चाहे धन संबंधी समस्या हो या आपके शिक्षक क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या हो या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर धन व्यवसाय से जुड़ी कोई समस्या हो, उन सभी समस्याओं का समाधान ये छोटी सी हल्दी कर सकती है। और खास बात ये है कि इस उपाय का कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, जिससे हर व्यक्ति इस उपाय को बड़ी ही आसानी से बेफिक्र होकर कर सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन यदि यह उपाय किया जाए तो ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुवार की सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी पीले कपड़े से पीला रुमाल, पीला दुपट्टा, उससे अपना सिर ढककर भी यह उपाय कर सकते हैं या फिर पीला रिबन लेकर भी हाथ पर बांध सकते हैं। याद रखें, इस उपाय को करते समय नीले और काले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने। नहाकर साफ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थल में जहां आप पूजा करते हैं वहां पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर आपके घर में आपके पूजा स्थल में बृहस्पति देव की कोई तस्वीर या मूर्ति हो या फिर भगवान विष्णु जी की कोई तस्वीर या फिर मूर्ति हो या फिर राधा कृष्ण भगवान की कोई तस्वीर या मूर्ति हो तो उनके चरणों में एक हल्दी की गांठ रखें और साथ में एक पीले रंग का धागा भी रखें। उसके बाद एक देसी घी का दीपक जलाएं। याद रखें, दीपक की लौ सीधी होनी चाहिए। फिर भगवान जी को हल्दी से तिलक करें। फिर भगवान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगर बेसन का लड्डू नहीं है तो आप गुड़ और चने की दाल का भी भोग लगा सकते हैं। फिर भगवान जी को अपनी सारी समस्याएं बताएं और सभी समस्याओं का समाधान करने की उनसे प्रार्थना करें। फिर आपने जो भगवान जी के चरणों में साबुत हल्दी और पीला धागा चढ़ाया है उसे अपने सीधे हाथ से उठा लें और अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप किसी माला से जाप करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार उसी माला से जाप करें, लेकिन ध्यान रखें कि सीधे हाथ में आपने जो हल्दी और पीला धागा लिया है उसे अपनी बची हुई तीन उंगलियों से सीधे हाथ में ही दबाकर रखें और उसी हाथ से एक माला का जाप करें। आंख बंद करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की माला का जाप करें। उसके बाद जो पीला धागा है उसे आप हल्दी की गांठ में बांध लें और फिर उसे भगवान जी के चरणों में लगाएं और उसके बाद उस धागे को जिसमें आपने हल्दी की गांठ बांधी है उसे अपने सीधे हाथ की बाहें पर बांध लें। हल्दी की गांठ को अगर आपको सीधे पहनने में परेशानी हो तो एक पीले कपड़े की थैली सी बनाकर उसे ताबीज जैसा बनाकर उसमें आप हल्दी की गांठ को रख लें और फिर धागे के ऊपर उस कपड़े को सिल लें, उसका ताबीज बना लें। आप उसको अपनी बाजू पर बांध सकते हैं या फिर गले में पहन सकते हैं। यह उपाय पीले पुखराज की तरह काम करता है जो बृहस्पति को मजबूत करने में सहायता देता है। अगर आप भी हल्दी धारण करने का मन बना रहे हैं तो गुरुवार के दिन ही पहनना ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। याद रखें, आप इस उपाय के लिए पीले रंग की हल्दी का ही इस्तेमाल करें। काले रंग की या नारंगी रंग की हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पीली हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। वहीं काली हल्दी का प्रयोग शनि देव के लिए और नारंगी हल्दी का प्रयोग मंगल ग्रह के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने से भाग्य में वृद्धि होती है और दरिद्रता का घर में कभी वास नहीं होता। अगर कोई कर्ज भी लिया होता है वह भी जल्दी निपट जाता है। शिक्षा और विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और इस उपाय को करने से अगर व्यक्ति को कोई बीमारी है तो वह जल्दी ही ठीक हो जाती है। अगर व्यक्ति को कोई ऊपरी परेशानी होती है, भूत प्रेत की या नजर की कोई परेशानी होती है और कई बार हल्दी उस नकारात्मक ऊर्जा की परेशानी को खत्म करने की वजह से कभी कभी काली भी पड़ जाती है या फिर खराब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उस हल्दी को बहते पानी में बहा दें और फिर अगले गुरुवार को फिर से यह उपाय करके हल्दी को इसी तरह से अपनी बाजू या गले में धारण कर लें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।